हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन संगीता शर्मा किचन। फ्रेंड्स, क्या अब आप सर्दियों की सब्जियां खाते खाते भी बोर हो गए हो? अब बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। एक टाइम नहीं, इसे दो दो तीन तीन चार चार टाइम भी आप खाओगे तो भी बोर नहीं होगे। और एक रोटी की जगह आप इसे चार चार रोटी भी खा जाओगे, बिना भूख के भी इसे रोटी खा जाओगे इसके साथ। तो चलिए बनाते हैं, ईजी सी रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं, लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। आप जितनी भी क्वांटिटी बना चाहे उतनी भी क्वांटिटी में इन सामान को ले सकते हैं। इतनी क्वांटिटी से भी इसमें बहुत सारी बन जाती है, हमारा पूरा परिवार तीन से चार बार इसको खा लेगा तो इतनी क्वांटिटी में बन जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, पैन में सरसों का तेल डाला है। इसे आप सरसों के तेल से ही बनाएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आता है सरसों के तेल से, टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पर देखिए, सरसों के तेल में जो प्याज थी, तो दोनों बड़े साइज़ की प्याजें थी, उसको मैंने काट लिया है। यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा ही प्याज को काटा, ज़्यादा पतला नहीं किया है। तेल में डालने के बाद इन्हें थोड़ा सा हमें पिंकिश कलर में लाना है, ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, ना ही ज़्यादा गलने देना है। तो इस तरह से देखिए, हमें प्याज को जो अगर आपको ज़्यादा मोटे डले दिखे हैं उसमें, तो उसे आप तोड़ते जाएँ साथ के साथ। बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी, इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही अच्छी बनेगी। आप ज़रूर ट्राई करें एक बार, किसी भी मौसम में आप इसको बनाकर खा सकते हैं, सर्दी में तो ये बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर देखिए, टमाटर और लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है, तो यहाँ पर चॉपर से मैंने चॉप किया। आप चाहे तो मिक्सी में दरदरा पीसे, इसे दरदरा ही अच्छा लगेगा, ये इसे बिल्कुल पेस्ट ना बनाएं। तो यहाँ पर अच्छे से, यहाँ पर देखिए बिल्कुल दरदरा किया है, आप इसे ग्रेटर पर भी कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो प्याज की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इस तरह से रखनी है जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ। तो प्याज ना ही ज़्यादा ब्राउन हुए हैं, बस हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब इन्हें मिक्स करते हुए अच्छे से इकसार कर लेंगे। तो हरी मिर्च हमें यहाँ पर अभी नहीं डाली, हरी मिर्च हम डालेंगे बाद में, जिससे कि उसका क्रंचीनेस जाए ना, उसमें क्रंचीनेस रहे। तो चलिए, अब ये मिक्स हो गया, अब यहाँ पर लेंगे हम थोड़े से सूखे मसाले। तो यहाँ पर मसाले, अब ये देखिए, खूब सारी लाल मिर्च डाली क्योंकि इसे स्पाइसी सा बनाना है। आप लाल मिर्च की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नमक है, यहाँ पर चार चम्मच लाल मिर्च डाली है, तीन चम्मच नमक है, अमचूर पाउडर है, हींग है, सूखा धनिया पाउडर तीन चम्मच, और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने ले ली है हल्दी। तो इन सभी को डाल लेंगे। तो ये छोटी चम्मच से मैंने मेजर किया है यहाँ पर सारे मसालों को। अभी ने भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इसमें एक नींबू भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर अमचूर की क्वांटिटी अच्छे से ली थी और अमचूर मेरा अच्छे से खट्टा है, तो मैं यहाँ पर नींबू का यूज़ नहीं करूँगी। तो ये आप फ्रिज में 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। इसको आप डब्बे में बंद करके रखें और पर फ्रिज में ही रखें, तो ये बहुत टाइम तक चल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये तेल छोड़ने लगी है, अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची को देखिए, मैंने इस तरह से कट कर लिया है, एक हरी मिर्च में दो दो तीन तीन पीस कर लिए हैं। हरी मिर्च को सिर्फ हमें 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारी अच्छी सी यहाँ पर चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी चटनी यहाँ पर बनकर रेडी है, आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, गर्मा गर्म रोटी के साथ ही सर्व करें, चावल के साथ भी इसे आप खा सकते हैं, या किसी भी दाल के साथ इसे साइड डिश के तौर पर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है ये। इसे आप किसी बेयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें, बहुत टाइम तक चल जाएगी। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल पे बहुत ही सारी मैंने रेसिपीज डाली हुई है, 300 से ज़्यादा मेरे चैनल पर रेसिपीज अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियों की रेसिपी भी उसमें है, अलग अलग तरीके की सब्जियाँ मैंने उसमें सिखाई है, मीठे की रेसिपी है बहुत सारी, और बहुत सारे स्टार्टर्स, बहुत सारी चीज़ों की रेसिपीज़ हैं। आप ज़रूर जाकर एक बार विजिट करें चैनल पर। फ्रेंड के शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल ना भूलें, सभी के पास ये रेसिपी जानी चाहिए, जिससे कि सभी को एक आइडिया मिल जाए एक नई सी सब्जी खाने का। तो यहाँ पर देखिए, ऑयल बाहर आ गया चटनी से, और चटनी हमारी परफेक्टली बन गई है। अब यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी, आप चाहे तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और चाहे तो आप हरा धनिया ना भी डालें, ये बिना हरे धनिया के भी बहुत अच्छी लगती है। हरे धनिया से इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, अरोमा आएगा। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, इसमें अब बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है, तो पानी बिल्कुल आप जला लेना है, बिल्कुल पानी नहीं छोड़ना है इसमें, जिससे कि ज़्यादा दिन तक टिकेगी, ख़राब नहीं होगी जल्दी से।
अगर इसमें पानी रह जाएगा तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो चलिए चटनी बनकर रेडी है, और इसी तरह की रेसिपीज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड का शेयर करें बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं फ्रेंड, पर उससे पहले अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस को जरूर देखें। ये रेसिपीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी हैं, और इसी की तरह की और भी रेसिपीज चैनल पर अवेलेबल है। ज़रूर जाके विजिट करें चैनल पर एक बार, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली वीडियो में बिल्कुल नए आइडिया के साथ। बाय फ्रेंड।